गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग SN1 पढ़ रहे थे। SN1 में हम लोग काफ़ी कुछ जान गए कि किस तरह से सबस्ट्रेट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं, लिविंग ग्रुप कैसा होता है, सॉल्वेंट के बारे में जान गए। अभी थोड़ा सा देख रहे हैं, अगर आपको याद है वो मैकेनिज्म SN1 और SN2 क्या होता था, ज़रा एक बार फिर से सोचिए। ये है कार्बन, है ना, और कार्बन के साथ यहाँ अगर H है, यहाँ X है, तो धीरे धीरे जो न्यूक्लियोफाइल था हमारा वो पीछे से आता था और कार्बन पे जो डेल्टा प्लस है वहाँ अटैक करता था। एक ऐसा समय आता था कि न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन से जुड़ा रहता था और X भी कार्बन से जुड़ा रहता था, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और X चला जाता था। तो होता क्या है बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है, वो पीछे से अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, पूरा हमारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये समझिए कि ये एक छाता है। अब पीछे से कोई गया अटैक करने तो कुछ देर दोनों लगे रहेंगे, फाइनली क्या होगा, ऐसे तो हमारा छाता पुराने जैसा नहीं दिखेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर उसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जा रहा है तो इन्वर्जन, इन्वर्ट, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। चलिए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। दूसरा क्या था हमारा, SN1, ये SN2 था, है ना, कि ये भी धीरे धीरे जा रहा है, ये भी धीरे धीरे आ रहा है। आप लोगों को अगर पिछला क्लास ध्यान है, अब इसमें क्या था दूसरे वाले में, कि जैसे मान लीजिए ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3 और यहाँ Cl है, तो यहाँ क्या है, Cl खुद ही चला जाता था, नहीं, क्यों, क्योंकि वो जानता था कि हम जाएंगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये स्टेबल तो हो ही जाएगा। तो होता क्या था कि ये ऐसे बन जाता था। अब यहाँ क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ये sp2 बनेगा तो ये यहीं पर प्लस नहीं रहेगा, ये कार्बन के साथ ये इस तरह से बन जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ प्लस चार्ज कहीं रहेगा। अब जो माइनस आएगा इधर से, इधर से, इधर से, कहीं से भी आ सकता है, तो हो सकता है उल्टा भी आए और हो सकता है जिस जगह से गया है Cl वहीं आए, यानी इसमें क्या हो सकता है, अटेंशन मान इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। तो इसमें दोनों हो सकता है, या तो रिटेंशन या तो इन्वर्जन, मतलब ये ऐसे है। अब तो अभी मैं ऐसा लिखा हूँ, मान लीजिए यहाँ CH3 के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए A, और इस CH3 के जगह पे B, तो हमारा आंसर में क्या हो सकता है, हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो वहीं पर आए जहाँ पर Cl था, और ये भी हो सकता है कि वो पीछे से आए, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है तो उल्टा भी आ सकता है, यानी हम क्या कहेंगे, इसमें रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म अगर आप पढ़े हैं तो आपको ये ध्यान होगा, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जरा देखिए, मान लीजिए कि टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे ये हम कह रहे हैं कि CH3Cl है ना, और इस CH3Cl में मान लीजिए कोई बेस आ रहा है ना, या CH3Cl नहीं, हम SN1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 ले ले रहे हैं। अब यहाँ वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, पहले ये Cl गायब हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, फाइनली H निकल जाएगा, और आंसर में क्या आएगा, तो आंसर में आएगा यहाँ OH, और क्या निकल जाएगा, इसका Cl और इसका H,
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ या पूछा जाता है। आप क्या देख रहे हैं, समय के साथ साथ हमारे कंपाउंड में क्या बढ़ रहा है, HCl, तो pH क्या होगा, घटेगा। तो आपसे कभी कभी कह देता है इसमें वाटर डाल देंगे तो pH क्या होगा, बच्चों को लगता है कि वाटर तो न्यूट्रल है उसको डालने से क्या होगा, लेकिन pH घटेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम लोग SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, अब वही देख रहे हैं। माने मेरे कहने का मतलब क्या है कि SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के चांसेज हैं। अब किसके चांसेस ज़्यादा हैं ये अभी अलग मुद्दा है, लेकिन दोनों के चांसेज हैं। तो आइए जरा हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर रेट ऑफ SN1, कंपेयर रेट ऑफ SN1। अब देखिए, अगर आप SN1 का रेट कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये है आपका एक ग्रुप, यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक है, और मैं एक और बना दे रहा हूँ आपको कि यहाँ CH3, CH2, ओके, और यहाँ CH2Cl लगा हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों के बारे में बताइए कि दोनों में किस में SN1 ठीक होगा। तो आप कैसे देखेंगे, आप जानते हैं SN1 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन ही होगा ना, तो ये Cl चला गया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, यहाँ भी क्या आएगा, प्लस, और दोनों ही एक बराबर स्टेबल होगा। लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो आप जानते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें SN1 बढ़िया होगा। नहीं, अगर मैं ये कहता हूँ ये है Cl, ये है Br और ये है I, तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये, तो इसमें SN1 बढ़िया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ भी Br है और यहाँ भी Br है, अब जरा समझिए, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ यहाँ बॉन्ड है, यहाँ यहाँ बॉन्ड है, अब किसमें SN1 बढ़िया होगा, तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड से तो जाएगा ही नहीं जल्दी, यहाँ से जाएगा तो एलाइल ग्रुप होगा, तो इसलिए SN1 किसमें बढ़िया होगा, दूसरे वाले में। अगर मैं कहूँ आपको ऐसा क्वेश्चन Cl और Cl, तो आप कहेंगे सर यहाँ बल्की ग्रुप है, SN1 उसी में बढ़िया होगा। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि लिविंग ग्रुप के बारे में बात हो रहा है कि बल्की ग्रुप के बारे में बात हो रहा है, हम लोग ये पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो किसके बारे में बात हो रहा है ये थोड़ा ध्यान देंगे और तब आप आसानी से बता देंगे कि किसमें SN1 बढ़िया होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं कहूँ, ये है OCO CH3 OCO CF3, अब क्या होगा, आप जानते हैं CF3 वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वीक बेस, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप, तो इसमें SN1 बढ़िया होगा, नहीं होगा क्या, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक और अगर मान लीजिए मैं कहूँ, देखिए मान लीजिए ये दोनों है, यहाँ है आपका Br और यहाँ भी है Br, अब मैं कहूँ किसमें SN1 बढ़िया, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो 3 डिग्री 2 डिग्री लग रहा है और ये तो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, इसमें प्लस आएगा तो रेजोनेंस बहुत बढ़िया होगा, तो इसमें होगा अच्छा SN1। तो मेरे ख्याल से ये बहुत कठिन नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ कि किसमें SN1 बढ़िया होगा, किसमें SN1 खराब होगा। एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ ऐसे, मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ Br है और यहाँ Br है, अब देखिए इसमें SN1 किसमें बढ़िया होगा, तो आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ सोचते हैं, आप ये समझ रहे हैं दोनों, अच्छा अगर मैं यहाँ सोचूं तो यहाँ क्या होगा, Br जाएगा तो प्लस आएगा और यहाँ यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डांसिंग, तो इसमें
ज़्यादा बढ़िया होगा। नहीं, लेकिन अगर मैं यही यहाँ ऐसे कर दूँ, ऐसे ऐसे और तब भी यार, तो भी यही होगा, चूँकि उसमें डांसिंग होगा। तो ऐसे एसएन वन देख सकते हैं। और भी एसएन वन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि सबस्ट्रेट थोड़ा चेंज कर दूँ, मान लीजिए कि मैं सबस्ट्रेट चेंज कर दूँ, ये सीएल है और ये सीएल है, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है। अब बताइए ये ए है और ये बी है, किस में एसएन वन बढ़िया होगा? तो देखिए वाटर तो बढ़िया बात है, क्यों बढ़िया बात है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल एसएन वन को सपोर्ट करता है, तो ये ठीक बात है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे इसमें एसएन वन बढ़िया होगा, इसलिए आप कहेंगे ए का रेट ऑफ रिएक्शन बी के रेट से ज़्यादा होगा। नहीं, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ए भी वही है और बी भी वही सबस्ट्रेट है, बस ये चेंज है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, इस कंडीशन में आप पता है क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर बीआर जल्दी जाएगा, बीआर अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये वाला होगा आंसर। आप समझ रहे हैं ना मेरे बात? तो आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन का जो थोड़ा बहुत छूटा था वो मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं सोचा था कि इसमें अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस जितने हैं बच्चों वो एसएन वन एसएन टू दोनों का कंपेयर करके आएगा। जब एसएन टू पढ़ लेंगे हम लोग, तब हम लोग एसएन वन एसएन टू दोनों को मिला के देखेंगे। आइए ज़रा एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ये है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, और इसके साथ है कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल, ये मान लीजिए है ए, ओके। अब मैं कह रहा हूँ ये फिर से यही है, खूब ध्यान से देखिए, वही है जो ऊपर है वही, और यहाँ भी वही है जो ऊपर है वही, और इसको कह रहे हैं बी। अब आप कहेंगे फिर अंतर क्या है? अंतर ये है बच्चों कि यहाँ ये वन मोलर है और ये भी वन मोलर है, और यहाँ ये क्या है? टू मोलर है, और ये क्या है? ये भी टू मोलर है। टू मोलर ही कर दो ना। चलिए तो मान लीजिए कि दोनों ही टू मोलर हैं। अब बताइए क्या ए और बी का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा? आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप दोनों सोच के बताइए, ये दोनों बिल्कुल सोच के बताइए क्या ए और बी का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा। तो आइए जरा देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया आपको। अगर मैं शुरू में बताया होऊंगा तो मैं बताऊंगा dx by dt मतलब एसएन वन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। तो वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, यानी इस पे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ये ज़्यादा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये एक बहुत सुंदर क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, ये नोट कर लीजिए, तो मैं बता रहा हूँ, जल्दी नोट करिए, चेंज करूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कर दूं कि वो भी वन मोलर या वो भी टू मोलर, ये भी टू मोलर, यहाँ ये वन मोलर और ये टू मोलर, तब आप कहेंगे ए और बी दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा। क्यों ऐसा कहेंगे ए और बी का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा? क्योंकि ये भी टू है, ये भी टू है, इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप एक चीज़ समझ गए कि एक
अगर ये छोटा ग्रुप है, ये थोड़ा बड़ा है, सॉरी CH3, और ये थोड़ा और है बड़ा, और ये थोड़ा और है बड़ा, तो जितने बड़े होंगे उसमें SN1 ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए हैं कि जो बड़ा होगा उसमें SN1 बड़ा होगा। बोलिए, तो इस तरह से SN1 से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। एक आध और देखना चाहें तो देख लेते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे और SN2 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एक दो और बस। अगर मैं कहूँ ये है और साथ में वाटर है, और ये है और साथ में वाटर है, अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कहेंगे पहले का रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे से ज़्यादा होगा। क्यों? यहाँ Cl बेंजीन से लगा है, ये जब Cl जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा और वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ देखिए ये है A और यहाँ ये दिया है, और ये है B और यहाँ ये दिया है, अब मैं कहूँ ये दोनों ही वाटर हैं, तो आप कहेंगे सर A का रेट ऑफ रिएक्शन B से कम होगा, क्योंकि B में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन बनेगा और A में वो बनेगा। आ रहा समझ में? तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे दूं और मैं आपसे ये कहूं कि ये है बेंजीन, ये CH3, ये भी CH3, और यहाँ है Cl, ओके? नीचे भी ये है फिनाइल, ये है CH3, ये CH3, और यहाँ है Cl, दोनों ही। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? वाटर ले रहा हूँ, और यहाँ भी वाटर ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ 100% वाटर है, यहाँ 80% वाटर है, और 20% कुछ और ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए। अब बताइए ए और बी किसका SN1 रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो आज जान लीजिए कि जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसका के ज़्यादा होता है और उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ए का रेट ऑफ रिएक्शन बी से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका 81, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका सॉल्वेशन, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने के, तो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसमें सॉल्वेशन ज़्यादा होता है यानी हाइड्रेशन, और उसका SN1 ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा है आप लोग ये सब समझ रहे होंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दे दूं, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ ये है CH3, ये है O, ये है C, ये है C, मतलब CH2, ये CH, ये CH2, और यहाँ ये है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है, और एक है जिसमें CH2 Cl। अगर मैं यहाँ कहूँ तब तो आप कहेंगे सर जैसे ये जाएगा यहाँ प्लस आएगा, और प्लस के साथ ये सब रेजोनेंस में है, और यहाँ प्लस आएगा तो नहीं है, इसलिए ए का रेट ऑफ रिएक्शन बी के रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा होगा। बोलिए,
तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग काफी क्वेश्चन समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। चलिए होमवर्क दे दूं, एक दो क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि ये क्वेश्चन है और इसके साथ लगा है CH2Cl और एक इसके साथ लगा है Cl और एक इसके साथ लगा है Cl, तो आप जानते हैं क्या होगा, डांसिंग। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होगा, SN1 उसमें। बोलिए, अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए कि इसमें मैं लगा दे रहा हूं एक साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, यहां मान लीजिए कोई लिविंग ग्रुप है और एक और है दूसरा जिसमें मैं उसमें भी साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया और यहाँ OTS है। अब जरा बताइए क्या होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ प्लस आ जाएगा तब तो ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, आप थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, है ना। किस में ज़्यादा होगा बोलिए, जैसे यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो इसमें रेजोनेंस होगा, है ना, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, लेकिन ये क्या है, मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ उल्टे नहीं होगा रेजोनेंस, है ना। और ये ग्रुप क्या करेगा, प्लेन भी थोड़ा चेंज कर देगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, मैं बताऊँ क्या, ये पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है 11th में। आप जरा देखिए, ये ऐसे होगा ना, बोलिए, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ ये ऐसे है, ऐसे है। जब आप इसका रेजोनेंस देखेंगे कि ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, आप याद करिए, अगर आपको ध्यान है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, बोलिए, और यहाँ क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस, अरे प्लस है ना, तो ये यहाँ और ये यहाँ, अरे सॉरी, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, तो प्लस, अब क्या होगा, यहाँ से प्लेन चेंज हो जाएगा, जब यहाँ प्लस आएगा ना, तो इनके वजह से अगर यहाँ ये है तो यहाँ प्लेन चेंज हो जाता है, और प्लेन चेंज होने से क्या होता है, नो डांसिंग, प्लेन चेंज हो जाएगा तो डांसिंग नहीं होगा, इसलिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। सॉरी यार, तार लग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सोचिएगा, करिएगा। लास्ट एक क्वेश्चन मिटा दूं, अच्छा इसी क्वेश्चन पे चेंज कर दे रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन को मैं कर दे रहा हूँ। ये मान लीजिए है, मैं यहाँ ऐसे कहूँ और यहाँ ऐसे कर दूँ, तो अब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा, इसमें, क्यों, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस अब आएंगे और आप लोग कर लेंगे SN1 से रिलेटेड, हम लोग और भी करेंगे SN1 से रिलेटेड क्वेश्चन, जब SN2 पढ़ लेंगे तब दोनों के कंबाइंड, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे SN2। थैंक यू।